डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डेली में कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसमें टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी है तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ सबसे पहले देखते हैं टीचिंग वैकेंसीज यहाँ पर वैकेंसीज का ओवरव्यू दिया है डिटेल्स इसकी हम नीचे देखेंगे अभी आप यहाँ पर ओवरव्यू देख लीजिए ये सभी टीचिंग वैकेंसीज हैं उसके बाद है नॉन टीचिंग वैकेंसीज मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं पहली है कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस दूसरी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार तीसरी है सेक्शन ऑफिसर फिर है जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर इन नॉन टीचिंग वैकेंसीज का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी देख लेते हैं जो सबसे पहली पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस उसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है डेप्यूटेशन या फिर टेन्योर बेसिस पे यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ये वैकेंसी भी डेप्यूटेशन बेसिस पे है और उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज हैं थर्ड टू सिक्स ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होंगी यानी इनका एग्ज़ाम होगा इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है नीचे आपकी लास्ट डेट दी है फॉर्म अप्लाई करने की एक मई 2021 है और हार्ड कॉपी आपकी सात मई 2021 तक पहुंच जानी चाहिए अब हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की जैसे क्वालिफिकेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज और फीस क्या है सबसे पहले हम देखते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज को जिसमें पहली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर होगी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है तो एग्जाम भी होगा इसका स्कीम ऑफ एग्जाम दिया गया है इसमें दो पेपर होंगे पेपर वन और पेपर टू टोटल टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप यहां पर ड्यूरेशन दी गई है और मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का होगा ये पेपर आगे देखते हैं पहला पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन एट्टी आएंगे सभी क्वेश्चन एक नंबर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से एट्टी हो जाएंगे टाइम अलाउड है वन एंड हाफ आवर सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब पेपर वन का सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश का इसमें आपका सिलेबस दिया गया है वही नॉर्मल सिलेबस जो सभी एग्जाम में होता है कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर सिनोनिम्स एंटोनिम्स सेंटेंस करेक्शन एक्सेट्रा उसके बाद है जनरल साइंस करंट अफेयर्स हिस्ट्री जोग्राफी कंप्यूटर की नॉलेज आगे है इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एम्पैथी यानी कि रीजनिंग उसके बाद है आपका पेपर टू जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास डोमेन नॉलेज हो यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम मार्क्स 120 और टाइम अलाउड है ढाई घंटे इसमें आपकी डोमेन नॉलेज देखी जाएगी अब डोमेन नॉलेज क्या होता है वो आपको यहां पर बताया गया है एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको आपकी पोस्ट की नॉलेज होनी चाहिए जैसे फंडामेंटल रूल्स डेफिनेशन जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस जनरल फाइनेंशियल रूल्स एटसेट्रा आपकी पोस्ट से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए आगे यहां पर एक नोट दिया गया है द पेपर टू ऑफ द कैंडिडेट्स शेल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ दे ऑप्टेन मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स इन पेपर वन यानी कि पेपर वन में जो मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं उतने आने पर ही आपका पेपर टू इवेल्युएट किया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो पेपर वन और पेपर टू दोनों के बेसिस पर बनाई जाएगी आगे बताया गया है आपकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आई डिपार्टमेंट इस एग्जाम में तीन पेपर होंगे आपके पेपर वन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप दो घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड हैं पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर थ्री स्किल टेस्ट जिसमें से स्किल टेस्ट जो है आपका वो है क्वालिफाइंग इन नेचर यहां पर पेपर वन की डिटेल दी गई है कि पेपर वन में कौन से कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स आप देख लीजिए यहां पर डिटेल सिलेबस दिया गया है वही जनरल अवेयरनेस में जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है वही यहां पर है जैसे हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च वही जो सभी एग्जाम्स में होता है उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी ये भी सेम कोई इसमें अलग से कुछ रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं है वही नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में होते हैं उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स वही नॉर्मल टॉपिक्स हैं सभी जैसे सिंप्लीफिकेशन एल सी एम एस सी एफ रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वही सभी नॉर्मल टॉपिक्स हैं उसके बाद है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस इट्स वो कैब ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा वुड ऑल्सो भी टेस्टेड वही इंग्लिश का नॉर्मल सिलेबस ये तो था पेपर वन आगे है पेपर टू के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है देखिये डिस्क्रिप्टिव टाइप में इसमें आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे थर्ड पेपर है जो है स्किल टेस्ट का और ये क्वालिफाइंग नेचर का है मिनिमम फोर्टी परसेंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जितने मैक्सिमम मार्क्स है उसका फोर्टी परसेंट आना चाहिए यानी फिफ्टी का फोर्टी परसेंट इसमें आपके आने चाहिए टाइम अलाउड है वन आवर उसके बाद है थर्ड पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की इसका भी एग्जाम होगा और इसमें दो पेपर होंगे पेपर वन और पेपर टू पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर टू है डिस्क्रिप्टिव टाइप यहां पर आपका पेपर वन का सिलेबस दिया गया है वही सेम जो पेपर टू का था यहां पर डिटेल सिलेबस दिया गया है वही नॉर्मल सिलेबस है उसके बाद है पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप यहां पर भी आपकी डोमेन नॉलेज मांगी गई है आपकी पोस्ट से रिलेटेड उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट कम केयर टेकर इसके एग्जाम में तीन पेपर हैं ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप और स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट वही क्वालिफाइंग नेचर का है इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर वन का सिलेबस वही है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ इंग्लिश पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप यहां पर आपसे ऐसे पैराग्राफ प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग और आपकी कंप्यूटर की नॉलेज देखी जाएगी पेपर थ्री आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और स्किल टेस्ट में क्या होगा टाइपिंग होगी जिसमें आपकी स्पीड थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट यानी कि एक मिनट में पैंतीस वर्ड्स आपकी स्पीड होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं और थर्टी वर्ड्स पर मिनट अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं अब यहां पर बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर वन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फोर्टी परसेंट मार्क्स और अगर आप एस सी एस टी या फिर पर्सन विध डिसिटीज हैं तो आपके थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए अभी हमने जाना नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में अब देखते हैं टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में इसमें तीनों ही लेवल के प्रोफेसर मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर सबसे पहला डिसिप्लिन है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है जो कि एस टी कैटेगरी की है सब्जेक्ट है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगभग सबकी सेम ही है नेट पीएचडी मास्टर्स डिग्री तो आप इन सभी को देख लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एक बार आपको मैं पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जैसे नेक्स्ट डिसिप्लिन है वोकेशनल स्टडीज का इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा लगभग सेम ही है सभी की नेक्स्ट डिसिप्लिन है लॉ गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप यहां पर क्वालिफिकेशन दी है देखिए मैं क्वालिफिकेशन आपको नहीं पढ़कर बता रहा हूं कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं इन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में ए यू डी डॉट ए सी डॉट इन टाइप करना है जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा होम पेज खुलेगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डेली इतफाक से इनकी आज वन थर्टी बर्थ एनिवर्सरी भी है इसके बाद आपको नीचे आना है यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक होम पेज खुलेगा यहां आपको नीचे आना है यहां पर लिखा है क्लिक फॉर अप्लाई इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया होम पेज खुलेगा यहां आपको नीचे आना है यहां पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं आपको सबसे पहले रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा यहाँ पर लिखा है न्यू अकाउंट यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस नेक्स्ट फिर आपको पासवर्ड डालना है कंफर्म करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ आपको कैप्चा डालना है और फिर यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको लॉग करके फॉर्म फिल करना है रजिस्टर करने के बाद आपको यहां पर साइन इन करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है एक बार फॉर्म फिल करने के एफ ए क्यू भी पढ़ लेते हैं सबसे पहला FAQ है हाउ कैन आई करेक्ट और एडिट एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म आप अपनी इंफॉर्मेशन एक बार फिल कर देंगे तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप अपना फॉर्म को ध्यान से भरिएगा कैन टू कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द सेम अकाउंट दो कैंडिडेट एक अकाउंट से अपलीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं सभी को अपना अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है उसके बाद है कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज टू बी डन इन एन अनलाइकली इवेंट व्हेन द पेमेंट अमाउंट इज डिडक्टेड फॉर एन एप्लीकेशन मोर देन वंस अगर आपकी पेमेंट एक से ज्यादा बार कट जाती है तो आप अपने प्रूफ के साथ इस पर ई करिएगा तो आपकी रिफंड हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है आई हैव मेड द पेमेंट एंड अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट बट माई पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग ये कह रहा है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है आपके अकाउंट से कट गई है लेकिन आपके स्टेटस शो नहीं कर रहा है कि पेमेंट हो गई है तब भी आप यहाँ पर इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं नेक्स्ट है हाउ कैन आई मेक a पेमेंट पेमेंट आप दो मोड से कर सकते हैं डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से नेक्स्ट पॉइंट I am unable to टू मेक पेमेंट इट इज शोइंग एन What should आई डू आपको पेमेंट करते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो आप दूसरा डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं कैन द परमानेंट एंड पोस्टल एड्रेस भी डिफरेंट परमानेंट और पोस्टल एड्रेस आपका डिफरेंट हो सकता है वट आई एम रिक्वायर्ड टू फिल इन एक्सपीरियंस सेक्शन इफ आई एम नॉट वर्किंग एनी anywhere currently, यू कैन select द चेक बॉक्स इफ यू आर नॉट वर्किंग एनी the एट द मोमेंट आपको वहां पर एक चेकबॉक्स दिया होगा वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं तो और ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड टू बी फील्ड सभी को भरना है कैन आई सबमिट द फुली एप्लीकेशन फॉर्म इन पर्सन एट नो यू नीड टू फिल एंड सबमिट द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है जो मैंने आपको लिंक बताया है नेक्स्ट है वट प्रोग्रेस इफ आई एग्जिट फाइलिंग माई फॉर्म मिड वे अगर आप बीच में ही फॉर्म भरते भरते छोड़ देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वहीं पर सेव हो जाएगा अगर आप सेव एंड एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करके एग्जिट करते हैं तभी और आपका फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप अपनी फीस को पे करके सबमिट नहीं कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कैन आई रिज्यूम फाइलिंग अप माई फॉर्म वेर आई लेफ्ट इट वंस आई कम बैक यस जहां से आपने फॉर्म छोड़ा था वहीं से आप दोबारा से फिल करना शुरू कर सकते हैं

स देर इज एन इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर्म फिल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन गाइड दी है वो आप जरूर पढ़ लें डू द प्रीज फॉर दूसरे सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप उनको देख कर ही फॉर्म फिल करें आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट वट डू आई डू यू नीट टू प्रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पॉसिबल एरर्स अगर आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो जरूर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की होगी उसे आप चेक कर लें आई हैव अ लोट ऑफ जर्नल्स लिस्टेड अंडर माई नेम कई लिस्ट दैम ऑल देखिये अगर आपके पास बहुत सारे जर्नल्स आपने काम किया हुआ उन पर तो आप सभी को लिस्ट कर सकते हैं हाउ इज दिसर्च स्कोर जनरेटेड जर्नल इज दिसन फील्ड इन फॉर्म सीरियल नंबर एटीन टू ट्वेंटी थ्री जो सीरियल नंबर अठारह से तेईस है आप उसको देखकर भर सकते हैं उसके बाद ट्वेंटी फर्स्ट पॉइंट इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड रेफरेंसेस यस रेफरेंस देना जरूरी है कैन आई मेक अ सबमिशन विदाउट साइनिंग अप नहीं साइन अप तो आपको करना ही होगा तभी आप लॉग इन कर सकते हैं नेक्स्ट है आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी नेसेसरली अपलोडेड बिल्कुल आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने हैं माई पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज रीजनल हाउ विल इट वर्क आउट फॉर मी एज पर यूजीसी ओनली इंटरनेशनल रेटिफाइड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड देखिए अगर आपके कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट रीजनल भाषा में हैं तो वो तभी मान्य होंगे अगर वो यूजीसी के अकॉर्डिंग होंगे इज इट नेसेसरी टू अटेस्ट ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट नेसेसरी अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था माई पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज रीजनल विल इट कंसिडर ऑनली इंटरनेशनल ये तो ऊपर पॉइंट आ चुका है अगर आपका यू के अकॉर्डिंग है तभी वो कंसिडर होंगे नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एविडेंस फॉर एम एंड आई प्रोग्राम्स अप्रूवल लेटर्स इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी में भी अपलोडेड एज एन एविडेंस जो अप्रूव्ड लेटर होंगे वही आपको अपलोड करने हैं यहाँ पर बहुत सारे एफेक् दिए गए हैं आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अब हम देखते हैं कि टीचिंग वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई करना है टीचिंग पोस्ट के लिए आपको उसी वेबसाइट पर आना है एयूडी डॉट ए सी डॉट इन इसमें आपको नीचे जाना है फिर यहां पर आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह होम पेज खुलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक फॉर अप्लाई पर इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक होम पेज खुलेगा यहां पर भी सेम प्रोसेस है आपको पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद फिर साइन इन करके आपको आप करना है यहां पर आपको एफ दिए गए हैं फॉर्म फिल करने से पहले आप ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं